शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्या हुआ, अच्छी नहीं लगी? कंफर्टेबल नहीं है? नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो मुझे भी दिखाओ ना, ऐसे छुप कर क्यों खड़ी हो? क्या हुआ? वो कुछ चुभ रहा है। तो मुझे बोलो ना, मैं देखता हूँ। किस्मत की लकीरों से, किस्मत की लकीरों से पाया है मैंने तुझको अपने नसीबों से। किस्मत की लकीरों से, किस्मत की लकीरों से पाया है मैंने तुझको अपने नसीबों से। श्रद्धा, वैसे ये ड्रेस काफी अच्छी लग रही है तुम पे। अब क्या हुआ? फिर से हमें ताने सुनाने के लिए बुलाई है? आइए, हमारे पास बैठिए। बेकार कामों के लिए ना टाइम नहीं है हमारे पास। ये देखिए, ये आपके लिए है। ये हमारे लिए? देखिए तो कैसा लग रहा है? ये तो बहुत अच्छा है। ये त्रिपाठी खानदान का पुश्तैनी हार है, हमारी सास ने हमको दिया था और अब हम इसकी जिम्मेदारी आपको सौंपते हैं। अब मम्मी जी, ये हार बहुत सुंदर है, आप सच में ये हमें देना चाहती हैं? जी। थैंक यू। ये सब हमारा है? हाँ। हम वरुण जी को दिखाकर आते हैं। जी। थैंक यू मम्मी जी। भाभी, ये आपने क्या किया?
आपने हमारी माँ का इतना कीमती और पुश्तैनी हार अपनी बदतमीज बदतमाक और लापरवाह बहू को दे दिया। क्यों किया आपने ऐसा भाभी? ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। रितु, ये हार हमारे बेटे की खुशी से ज्यादा कीमती नहीं है। अरे वाह कीर्ति, सुंदर तो तू थी ही, पर आज तेरे चेहरे पर अलग चमक दिख रही है। हाँ दीदू, ये हार ना हमारे लिए ही बना था, हम पे ही सुंदर लग रहा है। कीर्ति, तू अभी भी अपने दीदू से नाराज है? ऐसा कुछ नहीं है, आपको तो पता है हमारा गुस्सा, सुबह कुछ ज्यादा ही बोल गए हम, पर अब हमारे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है, सच्ची। मतलब कीर्ति, तू इस घर से अब कहीं नहीं जा रही है ना? घर वालों का इतना प्यार देख के हमारा तो मन ही बदल गया। वैसे दीदू, चलिए ना हम दोनों बहन मिलके जश्न मनाते हैं। हम बाहर ना सेल्फी लेकर आते हैं। हे माता रानी, अब इस घर में ना सब ऐसे ही खुशी से रहें। अभी तो लग रहा है जब से नैना भाभी गिरी है तब से सिर्फ उनका पैर नहीं दिमाग भी मुड़ गया है। देखिए तो क्या किया उन्होंने, हमारी माँ का कीमती नौलख का पुश्तैनी हार उन्होंने अपनी बहू को दे दिया, अपनी लौटी बहू को। वो भी क्यों? ताकि वो ये घर छोड़कर ना जाए, कल फिर वो उठाकर कहेगी कि हम घर छोड़ के जा रहे हैं, तो क्या भाभी ये कर उसके नाम कर देगी? और फिर कहेगी बहू आप क्यों घर छोड़ के जा रही है, अरे ये घर तो आप ही का है, आप ही के नाम पर है। क्यों नाश हो। ऋतु आप ना बिल्कुल सही कह रही है। भाभी हर रोज ना ये दोनों ही बहनों के चर्चे हो रहे, छोटी वाली पूरा घर सर पर उठाती है और बड़ी वाली उसे संभालती है। हमें तो लग रहा है कि इस घर के बाहर त्रिपाठी की जगह दीक्षित के नाम पर लगने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, देखिएगा। अरे रितु हम तो ये ना कतई नहीं होने देंगे, क्योंकि हमको पता है कि अपनी बहू पे हमें कैसे लगाम लगाना है। हाँ आप बिल्कुल सही कह रही है भाभी, आप बड़ी वाली पे लगाम खींच कर रखिए और हम छोटी वाली पे लगाम डालते हैं। हमारी माँ का कीमती पुश्तैनी हार है, ऐसे ही किसी के गले में लटकने नहीं देंगे, हम बता रहे हैं। अब आप देखिएगा हम क्या करते हैं। कीर्ति, मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि तूने अपना फैसला बदल लिया। मुझे गर्व है तुझ पर। जितनी खुशियां मनानी है मना लीजिए दीदू, लेकिन त्रिपाठी घर में ना इन्होंने हमारे गुस्से वाली नस छेड़ दी है। नाटक करने का बहुत शौक है ना यहाँ सबको, तो अब दिखाएंगे सबको असली तमाशा क्या होता है।